अगर आप अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं सुंदर तोहफा, अगर आप अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं सुंदर तोहफा, तो उसे ख़रीदने का एक ही स्थान है जिसका नाम है लोफा 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 तोहफा तोहफा तोहफा। यहाँ अगर आप परिवार के साथ में आइए, बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक, माता पिता को भी साथ में लाइए और उनकी ज़रूरत के हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। मैं इस चीज़ के लिए राज भाई की तमाम टीम को बहुत बधाई देता हूँ और इनके परिवार का हिस्सा होने के नाते मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि एक ऐसा स्थान जो पारिवारिक माहौल को और सक्षम करता है, परिवार एक जगह खड़े रहकर अपने बारे में, अपने शॉपिंग के बारे में विचार विमर्श कर सकता है, ऐसा एक स्थान है जिसका नाम लोफा। तो प्लीज़ आइए और अपने परिवार का मनोरंजन कीजिए, खुद भी खुश होंगे। सर, इसके अलावा जिस तरह का माहौल चल रहा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हंसने की। यही वजह है कि टीवी पे कॉमेडी शो शुरू होते जा रहे हैं और लाफिंग कलर्स खुलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उस पर मैं कॉमेडी शोज़ लेकर आ रहा हूँ। अभी हम लोग कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। इसमें जो जो चीज़ें हुई उसको हम लोग कॉमेडी के ज़रिए पेश करने जा रहे हैं। और सुसाइड करना मुझे लगता है नहीं कि किसी की समस्या का समाधान है। और इवन सुशांत सिंह के बारे में कहूँगा मैं कि वो इतना कमज़ोर बंदा नहीं था, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। ज़रूर कुछ इसमें गहरी चाल है, कुछ धोखेबाजी है, इसका पता हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, पुलिस से और CBI से कि प्लीज़ जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि सुशांत सिंह एक प्रेरणा स्रोत थे, आइडल थे, वो ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है आज तक, तो उसके अंदर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, बेकसूर बताना तो हर किसी का हक है। अब तो CBI की जांच चल रही है, CBI एक मान्यवर संस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, चाहे किसी ने भी किया हो, सुशांत सिंह के साथ में धोखेबाजी हुई है। सुशांत सिंह के साथ में उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसे नशीली दवा देकर उनकी हत्या की गई है, ये बात मैं मानता हूँ और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि इसका सही तरह से इसकी जांच हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप जब सब जियो हज़ारों साल, कोरोना से रखना खुद को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, क्योंकि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटाल, ऊँचे शेयर मार्केट को हाय हाय हाय, अरे ऊँचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। अच्छा, कुछ लोग तो इतने क्रिएटिव है, जियो कोरोना बोल रहे हैं, जियो कोरोना। मैंने कहा जियो कोरोना क्यों बोल रहा है? बोले मैं भी गो कोरोना ही बोल रहा हूँ, गो का